तो गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे देवघर पहुंचने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाना और आदिवासियों को बचाने की मुहिम चलाने पर विपक्ष हमें सांप्रदायिक कहता है तो मुझे स्वीकार है। उन्होंने कहा कि झारखंड के संथाल परगना के सभी जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। साथ ही कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने और झारखंड को सुरक्षित रखने का अभियान लगातार जारी रहेगा। तो कल पाकुड़ के उस क्षेत्र में भी जाएंगे जहां संप्रदाय एक हिंसा हुई है। कहा कि अगर झारखंड सरकार को झारखंड को सुरक्षित रखना है तो आदिवासियों को सुरक्षित करे। आदिवासी से 26% आदिवासी हो गया झारखंड बनने के बाद, वो मैंने कर दिया। हमारे लैंड पर कब्जा कर लिया आदिवासी लैंड पर, वो मैंने कर दिया। पाकुड़ में आदिवासी लड़कों के साथ मारपीट किया, वो हमने कर दिया। महेशपुर में जो है जमीन लूटने की कोशिश हुई, हमने कर दिया। तारानगर इलामी में जो है हिंदू भाग रहे हैं, वो हमने कर दिया। गोपीचक में जो है गाय काट कर जो है मारपीट दंगा करवाया मालदा मुर्शिदाबाद के लोगों ने आकर, हमने किया। अमान से मिलते हैं जो बांग्लादेश के पत्रकार ने, एक बड़ा पाकिस्तान के पत्रकार ने एक बड़ा खुलासा किया, सलाउद्दीन चौधरी ने जो है खुलासा किया है कि के रहमान से होता है। जिस तरह से गाजा पट्टी के खिलाफ यहाँ जिंदरेज आंदोलन करते हैं और उसके एक दिन पहले वो मिलते हैं, जिस तरह से विदेशों में जाकर वो भारत के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, जिस तरह से एक फेक नैरेटिव चलाते हैं कि संविधान जो उनकी दादी ने संविधान को बदला, उनके परदादा ने संविधान को बदला, वो संविधान बदलने की बात करते हैं,